तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रशियन इन्वेजन के नॉर्दर्न फ्रंट पर बात की थी, जहां हमने कीव की लड़ाई पर बात की थी कि किस तरह से यूक्रेन ने अपनी राजधानी को बचाया और दुनिया को चौंका दिया। वहीं अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते रशिया को बड़ा नुकसान हुआ और मार्च के अंत तक रशियन फोर्सेस नॉर्दर्न फ्रंट से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाकी फ्रंट और इस बार के दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से वीडियो समय पर अपलोड नहीं हो पा रहे थे। हालांकि अब मैं पूरी कोशिश करूंगा समय पर वीडियो अपलोड करने की। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, मेरा नाम है विकास, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंट की, जहां 24 फरवरी से ही रशियन आर्मी चर्निहाइव ओब्लास्ट में आगे बढ़ रही थी, जहां उन्होंने यहां के मुख्य शहर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। अगले ही दिन रशियन आर्मी ने कोनोटोव पर कब्जा कर लिया। उसी दिन यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट में सुमी शहर को लेकर एक लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई 4 अप्रैल तक चली। शुरुआत में कई दिनों तक रशियन आर्मी ने शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने शहर की घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन यहां रशिया का काफी नुकसान हुआ। रशियन आर्मी के करीब 104 सैनिकों को यूक्रेन ने पकड़ लिया और तकरीबन 100 टैंक नष्ट हो गए। यहां यूक्रेन को जीत मिली और 4 अप्रैल के बाद रशिया ने सुमी ओब्लास्ट को छोड़ दिया। सुमी ओब्लास्ट में ही ओरिस्का पर भी रशियन आर्मी ने कब्जा करने की कोशिश की, जहां रशिया ने भारी बमबारी भी की। यहां रशिया ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी किया, जिसके लिए रशिया की काफी आलोचना भी हुई थी। नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट से रशियन आर्मी कीव के ईस्ट में ब्रोवेरी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अप्रैल आते आते रशियन आर्मी वापस पीछे हटने लगी। पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार 6 अप्रैल तक रशियन आर्मी ने चर्निहाइव ओब्लास्ट को छोड़ दिया था। हालांकि यहां रशियन आर्मी चली तो गई, लेकिन उनकी बिछी हुई लैंड माइंस का खतरा यहां लंबे समय तक बना रहा। वही बात करें साउथ फ्रंट की, तो यहां जैसे ही 24 फरवरी को रशिया का हमला शुरू हुआ, तो रशियन आर्मी ने नॉर्दर्न क्रीमिया में केनाल पर कंट्रोल कर लिया और एक बांध को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके जरिए नीपर नदी का पानी क्रीमिया तक पहुंच गया। क्योंकि साल 2014 से ही जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तभी से पानी की सप्लाई क्रीमिया के लिए काट दी गई थी। रशियन आर्मी ने आगे 26 फरवरी तक मरियुपोल की घेराबंदी शुरू कर दी थी, फिर बर्डियांस पर कब्जा कर लिया। 1 मार्च तक रशियन आर्मी ने मेलिटोपोल और उसके आसपास हमला शुरू कर दिया। इसी दौरान रशियन आर्मी पावलोपिल के पास हार गई। इससे पहले 26 फरवरी तक रशिया की 22 आर्मी कॉर्प्स जापरजिया के परमाणु संयंत्र तक पहुंच चुकी थी, जहां उन्होंने परमाणु संयंत्र पर कंट्रोल करने की कोशिश की। इस दौरान परमाणु संयंत्र में आग लग गई। हालांकि यहां अच्छी बात यह रही कि परमाणु संयंत्र में किसी भी प्रकार का कोई रिसाव नहीं हुआ। इसी बीच क्रीमिया से एक और तीसरा हमला शुरू हुआ, जो नॉर्थ वेस्ट की ओर आगे बढ़ा, जहां रशियन आर्मी ने नीपर नदी के पुलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 2 मार्च तक रशियन आर्मी ने खेरसान की लड़ाई में जीत हासिल कर ली थी और खेरसान रशिया के कब्जे में आ गया। खेरसान के साथ साथ 2 मार्च तक रशियन आर्मी ने माइकोलाइव पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यहां यूक्रेनियन आर्मी ने रशियन आर्मी को वापस खदेड़ दिया। इसी दौरान यूक्रेन ने रशिया पर आरोप लगाया कि मारियोपोल पर हमले के कारण तकरीबन 2500 आम नागरिक मारे गए, जिसका जिम्मेदार रशिया है। हालांकि रशिया ने आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया और 18 मार्च तक मारियोपोल को पूरी तरह से घेर लिया, जिसके बाद यह लड़ाई शहर के सेंटर तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान 20 मार्च को रशिया ने शहर में मौजूद एक यूनिवर्सिटी को बमों से उड़ा दिया, जिसमें तकरीबन 400 लोग आश्रय लेते थे, और 24 मार्च तक रशियन आर्मी शहर के सेंटर तक पहुंच गई। पुतिन बाबा ने 29 मार्च को फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से फोन पर बात की और यह शर्त रखी कि रशिया तब तक हमला करता रहेगा जब तक कि यूक्रेन शहर में सरेंडर नहीं कर देता। जब शहर से आम लोगों को निकालने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 50 बसें भेजी, तो रशियन सैनिकों ने उन्हें रास्ता देने से मना कर दिया। वहीं अप्रैल तक जब रशियन आर्मी नॉर्थ में पीछे हटना शुरू कर चुकी थी, तो रशिया ने साउथ में हमले और तेज कर दिए। वहीं पूर्वी मोर्चे पर रशियन आर्मी ने खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश की, जो कि बॉर्डर से मात्र 35 किलोमीटर दूर ही था। हालांकि यहां यूक्रेनियन आर्मी ने अच्छी खासी टक्कर भी दी। इसी दौरान मिलरोबो हवाई अड्डे पर यूक्रेनियन आर्मी ने OTR-21 टोचका मिसाइलों से लगातार हमले किए, जिसमें यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रशिया के विमानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आगे 28 फरवरी तक रशियन आर्मी ने खार्किव पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए, जिसमें कई आम नागरिक मारे गए। आगे रशियन आर्मी ने 31 मार्च तक इजियम पर कब्जा कर लिया। इस दौरान खार्किव पर
फिर से नए सिरे से हमले शुरू कर दिए गए। तो दोस्तों इस तरह से 8 अप्रैल तक इस युद्ध का फेज वन खत्म होता है, जहां शुरुआत में तो रशिया ने एक तरफा बढ़त हासिल की, लेकिन अपने गलत अंदाजे के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि रशिया को उम्मीद यह थी कि जैसे युद्ध शुरू होगा वैसे ही यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर देश छोड़कर भाग जाएंगे, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ था। लेकिन यहां जेलेंस्की ने देश छोड़ने के बजाय हिम्मत दिखाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि रशिया को नॉर्थ में वापस पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों 8 अप्रैल से शुरू होता है युद्ध का दूसरा फेज, जिसकी पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 19 अप्रैल को की। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार रशिया ने खार्किव से लेकर डोनेट्स्क और लुहांस्क तक फैले 480 किलोमीटर के दायरे में एक नए सिरे से हमला शुरू किया। इसी दौरान रशियन आर्मी ने 13 अप्रैल को मारियोपोल के हमले और तेज कर दिए और 17 अप्रैल तक एक स्टील कारखाने को घेर लिया। पुतिन बाबा के एक बयान के अनुसार रशियन आर्मी ने 20 अप्रैल तक मारियोपोल की घेराबंदी कर ली थी। यहां मारियोपोल में ओजोवस्टल आयरन एंड स्टील कारखाने को रशियन आर्मी ने सील कर दिया था, जहां परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर बने हुए थे, जहां करीब 500 यूक्रेनी सोल्जर और तकरीबन 1000 आम नागरिक फंसे हुए थे। हालांकि आगे 3 मई तक 100 नागरिकों को वहां से निकालने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद रशियन आर्मी ने लगातार कारखाने पर हमले कर दिए। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार रशियन आर्मी ने थर्मोबेरिक बमों का इस्तेमाल भी किया था। आखिरकार 3 दिन के युद्ध विराम के बाद 7 मई को बाकी सभी नागरिकों को कारखाने से बाहर निकाल दिया गया। यूक्रेनी सैनिकों के जाने के बाद रशियन आर्मी ने मारियोपोल के सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया और 20 मई तक घेराबंदी खत्म हो गई और यहां रशियन आर्मी और डीपीआर फोर्सेस की जीत हुई और इस तरह से मारियोपोल का पतन हुआ। मारियोपोल के पतन के दौरान जेलेंस्की का अंदाजा था कि रशिया ईस्ट में एक बड़े हमले की तैयारी में है। इसी दौरान अमेरिकन मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए एक बड़े रूसी काफिले की तस्वीरें भी ली गई थी, जो हमले के लिए खार्किव से इजियम की ओर बढ़ रहा था। 22 मई को बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार मारियोपोल के पतन के बाद रशिया ने लुहांस्क प्रांत में सेवेरोडोनेट्स्क शहर पर भारी बमबारी की। यह शहर अभी भी यूक्रेनियन आर्मी के कंट्रोल में था। इसके साथ ही रशिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क में हमले और तेज कर दिए। 23 मई तक रशियन आर्मी लिवन शहर में घुस गई और 26 मई तक सारे शहर पर कब्जा कर लिया। इसी बीच यूक्रेनियन आर्मी ने सिवातोहिर्क शहर को छोड़ दिया, जिसके बाद रशियन आर्मी ने इस शहर पर भी कब्जा कर लिया। 30 मई तक और भी रिपोर्ट सामने आई कि रशियन आर्मी सिवेडोनेट्स्क शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई है और 2 जून तक द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार रशियन आर्मी ने शहर के 80% हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूक्रेनियन आर्मी शहर में घुटनों पर थी। 3 जून को यूक्रेनियन आर्मी ने जवाबी हमला शुरू किया और 4 जून को यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि शहर का 20% हिस्सा अभी भी हमारे कब्जे में है। 12 जून तक यह खबर सामने आई कि तकरीबन 800 यूक्रेनी नागरिक और तकरीबन 400 यूक्रेनी सैनिक ओजोट रासायनिक कारखाने में फंसे हुए हैं। 20 जून तक रशियन आर्मी ने शहर के आसपास के गांव और बस्तियों पर कब्जा कर लिया और शहर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 3 जुलाई तक रशिया ने दावा किया कि लिहसांग शहर पर रशियन आर्मी का कब्जा हो गया है और इस तरह से सिवेडोनेट्स्क और लिहसांग दोनों ही शहर रशिया के कब्जे में आ गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे खार्किव फ्रंट के बारे में और यूक्रेन के जवाबी हमलों के बारे में, साथ ही बात करेंगे वेस्ट की ओर से मिली यूक्रेन को मदद के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।